Good morning, students. Today, I am here to discuss revised syllabus of class 12 CBSC Maths. Maths में क्या क्या आपका syllabus reduce हुआ है, क्या आप नहीं पढ़ोगे, वो मैं discuss कर रहा हूँ यहाँ पर. CBSC 2022-2021 8 ऑफ जुलाई सर्कुलेशन आया था सीबीएसई का, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने. तो देखिए, आपकी क्लास 12 के लिए वैसे तो बहुत कुछ कम किया गया है, 30% वेटेज कम की गई है, लेकिन जिन बच्चों को आगे पढ़ना है, बीएससी करनी है, आईआईटी करनी है, जेईई मेंस करनी है, तो उनको तो पूरा सिलेबस करना ही पड़ेगा. वो तो एक सीबीएसई ने भाई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सिलेबस को कम कर दिया गया, लेकिन उसमें सभी बच्चों का, जो अच्छे बच्चे हैं जिनको और आगे जाना है, अच्छे तो सभी बच्चे होते हैं जिनको आगे फील्ड में जाना है, उनका नुकसान हो सकता है यदि वो उस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे तो. और सीबीएसई ने कुछ ऐसा ही किया है हमारे साथ, अन्याय ही किया है, मैं तो यही कहूँगा. अन्याय क्या किया है, देखिए मैं सिलेबस को आपके आगे डिक्टेट कर रहा हूँ. सिलेबस चैप्टर 1 चैप्टर 2 ये 8 मार्क्स का आएगा. चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 8 मार्क्स का. चैप्टर 3 मैट्रिक्स. चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स 10 मार्क्स का. चैप्टर 5-9 35 मार्क्स के आएंगे, इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है आपका यूनिट. चैप्टर 10 और 11 14 मार्क्स का. चैप्टर 12 5 मार्क्स का. और चैप्टर 13 8 मार्क्स का. टोटल मार्क्स 80 और 20 आपके प्रैक्टिकल, तो आपके 100 मार्क्स का मैथ्स का पेपर ऐसे हो जाता है. अब बात करते हैं हम 1 by 1 चैप्टर्स की. तो चैप्टर 1 और रिलेशन और चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये दोनों की वेटेज बहुत ही कम है, 8 मार्क्स, लेकिन बड़े भी हैं चैप्टर और इंपॉर्टेंट भी है. सबसे बड़ी बात देखिए, चैप्टर 1 के अंदर रिलेशन एंड फंक्शन, अब रिलेशन भी पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, फिर फंक्शन पढ़ेंगे, 1-1 फंक्शन पढ़ेंगे, ओनली फंक्शन पढ़ेंगे, मेनी वन फंक्शन पढ़ेंगे. लेकिन क्या हटा दिया गया स्टूडेंट्स, इनवर्स ऑफ फंक्शन. फंक्शन को इनवर्स कैसे निकालते हैं वो हटा दिया गया है सीबीएसई ने. गोफ एंड फोग दोनों ने हटा दिए गए हैं. कंपोजिट ऑफ फंक्शन को भी हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है. आपको फर्स्ट चैप्टर में ये एक्सरसाइज नहीं पढ़नी. तो यदि मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 ही पढ़नी है, उसके आगे बिल्कुल नहीं पढ़ना. बाइनरी ऑपरेशन था पहले, वो पहले पिछले साल ही हटा दिया गया सीबीएसई ने, अब तो उसका नाम ही नहीं है वो. लेकिन बाइनरी ऑपरेशन का हटने का हमारा इतना दर्द नहीं होता, थोड़ा सा दर्द हुआ था, वो महसूस नहीं होगा, लेकिन ये चीज हटने से दर्द बढ़ गया है. कैसे बढ़ा है देखिए, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अरे जब हमें इनवर्स ही नहीं पता फंक्शन का, इनवर्स कैसे निकालते हैं, हमने इनवर्स ऑफ फंक्शन पढ़ा ही नहीं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे निकाल लेंगे. और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने के लिए फिर हमें इनवर्स पढ़ना पड़ेगा. देखो पढ़ना तो पड़ेगा ना, मजबूरी हुई ना तुम्हारी पढ़ना, तो पढ़ना पड़ेगा बेटे, छोड़ नहीं सकते. सीबीएसई ने कह दिया छोड़ दो, बस 12th क्लास के लिए आप छोड़ सकते. देखिए आपने सीबीएसई को भी चेक करना है, आपको बोर्ड में टॉप भी करना है, बोर्ड में टॉप करने के लिए कांसेप्ट मत पढ़ो, लेकिन आपकी नॉलेज गेन करने के लिए आपको ये कांसेप्ट पढ़ना पड़ेगा. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आप पढ़ोगे तब आपको इनवर्स ही नहीं पता, इनवर्स कैसे निकालते हैं, किस फंक्शन में निकालते हैं, तो कैसे करोगे आप इसको, ये इसलिए पढ़ना पड़ेगा. इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपने थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा. इसके अंदर हटा क्या है, प्रॉपर्टीज जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, जिसके ऊपर सब कुछ बेस. ये जो 35 मार्क्स है ना, 5 टू चैप्टर 9 35 मार्क्स, ये सारे इसके ऊपर बेस्ड हैं बेचारे प्रॉपर्टीज के ऊपर, कितनी अच्छी थी अच्छी थी, ये हटा दी गई है. लेकिन कुछ बच्चों के लिए सुकून मिला हमको. तो इसके अंदर 2.1 ही आपके सिलेबस में आएगी, 2.1 के बाद कुछ नहीं आएगा, राइट. ना 2.2 आएगी ना मिसलेनियस आएगी, वो शो दैट वाले क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन, सब साफ, ठीक है. 2.1 बहुत इजी मेथड है, इजी से पास होना सबको 2.1. फिर चैप्टर 3 मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स. मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हट गया है और डिटरमिनेंट के अंदर 4.2 को रिमूव कर दिया गया है, जो बहुत अच्छी एक्सरसाइज हमने अच्छी तरह से की थी, जिसके अंदर एनसीईआरटी में 17 क्वेश्चन और एलिमेंट के अंदर 45 क्वेश्चन आपने किए थे, विद एग्जांपल्स और अलग से किए थे, बहुत मेहनत करी तुमने, ठीक है, वो हटा दी गई. नाउ चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन, बेटा जो कि बहुत अच्छा कंसेप्ट है. इसके अंदर मैं सीबीएसई की तारीफ करूंगा, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने हमारे लिए. इसके अंदर रोल्स फॉर्म्स और एलएमवीटी को हटा दिया गया है.
ठीक है, इसका हमारे लिए इतना वेटेज भी नहीं, चलो अच्छी बात हट गई, कुछ तो बर्डन कम हुआ मेरे बच्चों का। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बहुत बुरा हुआ क्या, अभी अभी हमने चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव माना चला हुआ था, इसके अंदर हमने रेट ऑफ चेंज भी मैंने बहुत अच्छी से 3 वीडियो बना करके आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था, अप्रोक्सीमेशन को भी मैंने 2 वीडियोज में आपको पढ़ा था, वो दोनों ही हट गए हैं, ठीक है दोनों ही हट गए हैं, लेकिन आपको जो पढ़ा, देखो पढ़ाई जो हमने गेन करते हैं वो कभी नुकसान नहीं होता, आपने पढ़ा कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा, क्लियर। तो चैप्टर 6 में से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दोनों कांसेप्ट हट गए हैं, अब बच क्या क्या गया, नंबर 1 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, ये कांसेप्ट आपके बच गए हैं अब भी, टेंजेंट एंड नॉर्मल तीनों कांसेप्ट, ठीक है संतुष्ट रखें। चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बड़ा चैप्टर है, लिमिटेड सम कांसेप्ट को हटा दिया गया है, लेकिन इस चैप्टर को आप जितना अच्छी तरह से कर लें उतना ही अच्छा फायदेमंद होगा। चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ ट्री इंटीग्रेशन के अंदर 8.2 एक्सरसाइज को रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर फॉर्मेशन को हटा दिया गया है, फॉर्मेशन बेटे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये तो पता है डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे, जब हमें पता ही नहीं बनती कैसे तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो जरूरी है वो चीज भी आनी चाहिए थी, लेकिन ये पढ़ना पड़ेगा। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं, होमोजेनियस मेथड होता है, वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन होता है, मेथड होता है, और थर्ड होता है लीनियर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसके अंदर एक-एक टाइप को हटा दिया गया। फिर हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, वेक्टर और 3D, बहुत अच्छे चैप्टर्स होते हैं वेक्टर 3D, जिसके अंदर लाइन के बारे में पढ़ते हैं, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पढ़ते हैं, डायरेक्शन रेशियो के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स वाले को वाले जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, लेकिन कॉमर्स वाले बच्चों को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, उनके लिए थोड़ा बहुत डेप्थ में उनको पढ़ना होगा, तो वो चीज़ तो आपने यहाँ पर भी पढ़नी है। लेकिन वेक्टर के अंदर एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक वर्ड है, मेथड हमारा SDP के नाम से है, वो चीज़ हटा दी गई है। 3D इसकी कोई इतनी जरूरत भी नहीं थी, यदि आती तो फ्री के मार्क्स थे, बहुत आसान मेथड था, लेकिन हटा दी गई कोई बात नहीं। 3D के अंदर एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में एंगल निकालना, दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना, लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालना, वो चीज हटा दी गई है, क्लियर। तो चैप्टर 12 LPP बहुत अच्छा चैप्टर था और है, ये आएगा, लेकिन अनबाउंडेड एरिया नहीं आएगा, ये बहुत अच्छी बात थी। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं आपके NCERT बुक में, वही 2-3 छोड़ने हैं, वो वैसे ही छोड़ देते हो तुम, है ना, तो इसलिए बाउंडेड बाउंडेड वाले क्वेश्चन आएंगे, अनबाउंडेड वाले नहीं आएंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, 8 मार्क्स की वेटेज है इसके अंदर, इसके अंदर एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला कांसेप्ट नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे, क्योंकि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी तो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 10th में पढ़ी, 11th में पढ़ी, 12th में पढ़ी, ठीक है। तो इस तरह से आपके 80 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मार्क्स आपकी प्रैक्टिकल होगा, और आपका 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। स्टूडेंट्स CBSE तो रिमूव कर दिया, लेकिन हर चीज देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, यदि इसको आप नहीं पढ़ेंगे ना तो डिफरेंशिएशन के अंदर जो जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के क्वेश्चंस होंगे जो सिंपलीफाई करने पड़ेंगे वो नहीं कर पाओगे, इसलिए कंसेप्ट को आपने पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।